है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे शाहिद कुरैशी और साजिद कुरैशी ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर सालों से अवैध कब्जा करके अपना अवैध साम्राज्य चलाया है। नियमों और कायदों को कैसे तोड़ा जाता है, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कैसे किया जाता है और शासन से लेकर प्रशासन तक को कैसे मैनेज किया जाता है, यह बात आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अगर कोई जानता है तो वो है कुरैशी ब्रदर्स। डंके की चोट पर 14,000 मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके सालों से अपना अवैध बूचड़खाना चलाया जा रहा है। शासन और प्रशासन की तरफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि प्राइम न्यूज ने अपने दर्शकों से वादा किया था कि जब तक मेसर्स ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक हम परत दर परत कुरैशी भाइयों के कारनामों का पर्दाफाश करते रहेंगे। इसलिए आज एक बार फिर से हम कई ऐसे सबूत लेकर आए हैं जो आपके सामने रखेंगे, जो मेसर्स ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की आड़ में चल रहे फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए काफी हैं। शाहिद कुरैशी और साजिद कुरैशी, ये दो ऐसे नाम हैं जिसका रसूख आज आप देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे अगर आपके पास रसूख है, पावर है, तो सरकार, शासन और प्रशासन को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। हर वो व्यक्ति जिसके पास पैसा और रुतबा हो, जिसके पास सियासी गलियारों के धुरंधरों के ड्राइंग रूम तक जाने की परमिशन हो, वो कुछ भी कर सकता है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे बार बार शासन के आदेश के बाद भी कुरैशी ब्रदर्स के अवैध साम्राज्य पर सरकारी अधिकारी आक्रमण करने से कतराते हैं। सबूतों के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? आखिर क्यों गाजियाबाद के कल्लूगढ़ी रोड डासना में कुरैशी ब्रदर्स की ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बिना किसी रोक टोक के, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिना किसी रोक टोक के चल रही है? देखिए, टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरतने वाला है। सुना आपने ये आदेश, ये फरमान, क्या सीएम योगी के इस खुल्लम खुल्ला फरमानों की ताबीर प्रदेश के भीतर हो रही है? क्या सीएम ने जो कहा उनका ये फरमान उनके अधिकारियों तक नहीं पहुंचा है? जनता के बीच दहाड़ रहे सीएम योगी ने जिस तरह से ये बातें कही हैं, क्या ये महज जनसभा में बोला गया भाषण था? अगर नहीं, तो आज तक गाजियाबाद के कल्लूगढ़ी रोड डासना में कुरैशी ब्रदर्स ने कैसे 14,000 मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके उस पर अवैध मीट फैक्ट्री का कारोबार कर रहा है? प्राइम न्यूज के पास वो दस्तावेज हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि कैसे करोड़ों की सरकारी जमीन पर कुरैशी ब्रदर्स का अवैध कब्जा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे शासन और एनजीटी के आदेशों के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन तो शासन, खुद सीएम के फरमानों को भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। सुनिए, क्या इससे भी ज्यादा सख्ती से कोई आदेश दिया जा सकता है? टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है।
बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरपने वाला है। इससे पहले कि पुलिस का डंडा और प्रशासन का डंडा उनके सिर पर पड़े, वे लोग पहले उन कब्जों को हटा करके सरकारी भूमि है तो सरकार को सौंप दे और किसी गरीब की भूमि है तो उस गरीब को सौंपने का कार्य कर दे। क्या फायदा इन आदेशों का, क्या फायदा ऐसी सख्ती का, क्या फायदा सीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जज्बे का? जी हां, अगर जमीनी कार्रवाई ही नहीं हो तो इन आदेशों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जनता ठगा सा महसूस करती है। सीएम की इस चेतावनी का असर प्रदेश के कई भूमाफियाओं पर हुआ, कई जमीनों के अवैध कब्जे छुड़ाए भी गए, लेकिन गाजियाबाद के डासना में जिन कुरैशी ब्रदर्स ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके सालों से बूचड़खाना चलाने का काम किया है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। शाहिद कुरैशी और साजिद कुरैशी ने 14,000 मीटर सरकारी जमीन पर आज की तारीख में अवैध कब्जा कर रखा है। ये मीट फैक्ट्री अवैध है, इस मीट फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन भी अवैध है। जीडीए से बिना नक्शा पास कराए ये अवैध मीट फैक्ट्री चल रही है, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इसे चलाया जा रहा है, ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। यह कंपनी सरकार को सालों से करोड़ों का चूना लगाकर बेखौफ मौत बांटने का काम कर रही है। एक नजर में गाजियाबाद के कल्लूगढ़ी रोड डासना में कुरैशी ब्रदर्स की इस अवैध फैक्ट्री को देखकर कोई भी यही कहेगा कि यहां मेसर्स ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई चीज नहीं चल रही है, बल्कि यहां तो फॉर्म हाउस बना हुआ है। लेकिन प्राइम न्यूज ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की और अपनी पड़ताल के लिए डासना में चल रही इस फैक्ट्री पर प्राइम न्यूज पहुंचा तो वहां पर कुरैशी ब्रदर्स का खौफ इस कदर दिखाई दिया कि पहले कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ और बाद में हिम्मत जुटाकर पीड़ितों ने हमसे बात की और अपना दर्द बयां किया। बीमारी है, बहुत बीमारी इससे बन रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है। 5 साल से मैं खुजली का बीमार हूँ। बोरिंग कर करके सारा खून जो है मवेशी का उसमें जा रहा है और वही पानी पीने में आ रहा है। ये गोश्त फैक्ट्री है, हमारे यहाँ पे ही मीट फैक्ट्री है, इसी के कारण ये हो रहा है। ये दर्द तो कुछ नहीं है, आगे हम आपको दिखाएंगे इनकी बेबसी और कुरैशी ब्रदर्स का इस इलाके में खौफ। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये मीट फैक्ट्री किस तरह से अवैध नींव पर खड़ी है। आप इत्मीनान से सुनते जाइए कैसे कुरैशी ब्रदर्स जैसे लोग सरकार को करोड़ों का चूना लगाते रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको फैक्ट्री के अवैध होने के सबूत दिखाएं, उससे पहले इस अवैध फैक्ट्री के जनक की जानकारी देनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि बिना कुरैशी ब्रदर्स को जाने उसकी कारगुजारियों को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। नाम शाहिद अली कुरैशी, ओहदा मैनेजिंग डायरेक्टर, मेसर्स ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। कुरैशी ब्रदर्स में शाहिद अली कुरैशी बड़े भाई है, इनके हर गुनाह में इनके साथ छोटे भाई भी शामिल हैं, जिनका नाम साजिद अली कुरैशी है। ओहदा डायरेक्टर, मेसर्स ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हां, यही वो कुरैशी ब्रदर्स हैं जो गाजियाबाद के कल्लूगढ़ी रोड डासना में अवैध रूप से मीट फैक्ट्री चला रहे हैं। इन दोनों भाइयों पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके दस्तावेज प्राइम न्यूज के पास मौजूद हैं। हर एक दस्तावेज ये साबित करने के लिए काफी है कि कैसे शाहिद अली कुरैशी और साजिद अली कुरैशी सालों से सरकारों को ठेंगा दिखाते आ रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि योगी सरकार में भी इनका सिक्का चल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आप 15 वजहों को समझिए जो ये साबित करने के लिए काफी होंगी कि ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही है। नंबर 1, गाजियाबाद के डासना में अवैध जमीन पर चल रही है यह मीट फैक्ट्री।
नंबर दो, ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोई जमीन ही नहीं है। नंबर तीन, कुरैशी ब्रदर्स ने 14,000 मीटर सरकारी जमीन पर सालों से अवैध कब्जा कर रखा है। नंबर चार, डासना में खसरा संख्या 1867 पर बनी है ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। नंबर पांच, यहां पहले ईगल पॉटरीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। नंबर छह, आज भी राजस्व अभिलेखों में ईगल पॉटरीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम ही दर्ज है। नंबर सात, ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की बिल्डिंग का मैप यानी नक्शा जीडीए से पास नहीं है। नंबर आठ, रिकॉर्ड के मुताबिक ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने जीडीए से कोई परमिशन नहीं ली है। नंबर नौ, प्राधिकरण कार्यालय अभिलेख के मुताबिक प्रवर्तन जोन 3 में चालान उपलब्ध नहीं है। नंबर दस, मैप को लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। नंबर 11, कई ऐसी वजह हैं जिससे स्लॉटर हाउस के लाइसेंस पर सवाल उठ रहे हैं। नंबर 12, ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड आबादी वाले इलाकों के बीचों बीच चल रही है। नंबर 13, एनजीटी के मुताबिक ये इलाका आर जोन में आता है। नंबर 14, स्लॉटर हाउस के नियमों के मुताबिक ये आर जोन में नहीं चलाया जा सकता है। नंबर 15, बिना एनजीटी के एनओसी के स्लॉटर हाउस का लाइसेंस आखिर कैसे मिल गया? ये वो 15 वजह है जो ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की वैधता को अवैध साबित करने के लिए काफी है। साथ ही एसडीएम द्वारा की गई जांच में यह भी साबित हो चुका है कि कंपनी के पास रेलवे लाइन की साइड की जमीन का कोई बैनामा कंपनी मालिक द्वारा नहीं कराया गया है। इसके बावजूद 14,000 मीटर के करीब जमीन अभी तक कुरैशी ब्रदर्स से कब्जा मुक्त नहीं करवाई जा सकी है। 15 जनवरी 2018 तक मेरठ कमिश्नर ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अभी तक जमीनी कार्रवाई के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से प्राइम न्यूज को यह खबर मिली है कि गाजियाबाद डीएम की तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट कमिश्नर को नहीं भेजी गई है। सालों से कुरैशी ब्रदर्स का खौफ इस इलाके में कायम था और आज भी कायम है। सत्ता आती रही, बदलती रही, प्रदेश के सिंहासन पर बैठे राजा भी बदलते रहे, लेकिन कुरैशी ब्रदर्स का यह कारनामा तब भी चलता रहा और आज भी बदस्तूर जारी है। तो क्या ये सवाल पूछना गुनाह है कि गाजियाबाद के डासना में सरकारी जमीन पर अवैध बूचड़खाना आखिर चल कैसे रहा है? डासना कल्लूगड़ी में ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई कब होगी? शाहिद अली कुरैशी और साजिद अली कुरैशी पर योगी हंटर कब चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। अवैध फैक्ट्री को चलाने के लिए हर वो काम किया गया जिससे यह कहा जा सके कि कानून की आंखों में धूल झोंका गया। प्रशासन को गलत जानकारी दी गई, सिस्टम से आंख मिचौली खेली गई। आप सोच रहे होंगे कि यह हम किस बिना पर बोल रहे हैं। इसके पूरे सबूत, पूरे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। हम हर उस कागज से गुजरे हैं जो ये बताता है कि यहां पूरी की पूरी दाल काली है। यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट देख लीजिए, कैसे एनजीटी सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। देखिए, जब हम लोगों ने सत्ता में हम लोग आए थे तो यहां पर किसी भी न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन नहीं होता था। हम लोग आए, हम लोगों ने आते ही अवैध कारनामों को प्रदेश के अंदर सख्ती के साथ रोका और पहले ही 24 घंटे के अंदर जितने अवैध बूचड़खाने प्रदेश के अंदर चल रहे थे, ये सभी अवैध बूचड़खाने एक झटके में पूरे प्रदेश के अंदर बंद हुए थे। और हम लोगों ने तो ये भी आदेश दिया है कि अगर एनजीटी में देर होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आदेश कराए जाने की आवश्यकता है, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये आदेश है यूपी के मुख्यमंत्री का।
ये फरमान है यूपी के सीएम का, ये कमिटमेंट है यूपी के मुखिया महंत योगी आदित्यनाथ का। लेकिन सीएम के फरमान के बावजूद गाजियाबाद के डासना में जो कुछ हो रहा है वो ये बताता है कि सरकारी अधिकारी सीएम के आदेशों की परवाह नहीं करते हैं। पैसे की चमक के आगे फीकी पड़ी सच्चाई। अवैध बूचड़खाने पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई। अवैध धंधे की खातिर एनजीटी को भी दिया गया झांसा। अवैध जमीन वाली फैक्ट्री को कैसे मिली एनजीटी की हरी झंडी। कहते हैं अवैध धंधा करने वाले पैसों की चमक से सच्चाई को फीका कर देते हैं, सिस्टम के मुंह पर ताला लगा देते हैं, कानून की आंखों पर बंधी काली पट्टी से आंख मिचोली खेलते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कब तक। बस ये समझिए कि अब उनका वक्त पूरा हो चुका है। प्राइम न्यूज के हाथ अवैध बूचड़खाना चलाने वाली कंपनी के बारे में पुख्ता दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज ये बताते हैं कि सिस्टम से कैसे खेला जा रहा है, पैसों की चमक से सच्चाई को कैसे दफन किया जा रहा है। लेकिन इस खेल में सिस्टम भी कहीं ना कहीं दोषी है। अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ एनजीटी से हुए पत्राचार के दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि न सिर्फ अवैध बूचड़खाने को चलाने के लिए अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, बल्कि पर्यावरण से जुड़े हुए लाइसेंस को लेने में कानून से आंख मिचौली का खेल खेला गया। प्राइम न्यूज के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो ये बताते हैं कि परत दर परत भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, जिसमें सिस्टम के चुनिंदा लोग भी खेल कर रहे हैं। दस्तावेज बताते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक पत्र उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखा गया, जिसमें अवैध बूचड़खाना चलाने वाले की पोल पट्टी खोली गई है। जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उससे मोटे तौर पर यह समझ में आ जाता है कि इस कंपनी ने आर जोन यानी रेजिडेंशियल जोन में पूरी की पूरी फैक्ट्री खड़ी कर दी। यहां तक कि उद्योग का मानचित्र भी जीडीए से पास नहीं करवाया। कार्रवाई नहीं करने को लेकर बार बार पत्र लिखा गया। इन गंभीर आरोपों से घिरी हुई कंपनी जिसने अपना नक्शा तक पास नहीं करवाया, उस उद्योग को जल और वायु की सहमति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आखिर कैसे दे दी। इस दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि जब स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उद्योग की जांच के लिए पहुंचते हैं तो वो स्वीकृत मैप तक नहीं मांगते हैं। जांच करने वाले अधिकारी ऊपर जो रिपोर्ट भेजते हैं उसमें इस मुद्दे का जिक्र तक नहीं करते हैं। अब आपको हम यूपी के उन अधिकारियों का बयान भी सुनवा देते हैं जिनके कंधे पर जिम्मेदारी थी कि वो ऐसे अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करें जो अवैध कब्जा की हुई जमीन पर चल रहे हो। लेकिन हमारा दावा है कि जब आप जवाब सुनेंगे तो आपके मन में कई सवाल खड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि मामला तो आपने संज्ञान में लाया है, अब जांच करवा ली जाएगी। ये अभी आपके द्वारा जो संज्ञान में लाया गया इस पर हम प्रकरण में जांच कराकर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो भी आपके द्वारा ईगल कॉन्टिनेंटल के बारे में बताया गया है इसकी हम अपने वहां क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से जांच कराकर जो स्थिति होगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल तो यह है कि इतनी गड़बड़ियों के बावजूद कैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस उद्योग को मंजूरी देता चला गया।
क्या इसमें रिश्वत खोरी का बड़ा खेल हुआ है? क्या सिर्फ कंपनी के लोगों ने ही अधिकारियों को झांसे में रखा? जांच अधिकारियों ने कंपनी से किसी तरह की रिश्वत लेकर मामले को दबाए रखा? अब सवाल यह है कि इस बड़े खुलासे के बाद अवैध बूचड़खाने को चलाने वाले का क्या होगा? क्या इसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा? क्या एनजीटी कोई कार्रवाई करेगा, या एक बार फिर पैसे की ताकत के आगे सच्चाई दम तोड़ देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के बाद तमाम अवैध मीट की दुकानें और बूचड़खाने बंद किए गए थे, वहां ताला लटकाया गया था। लेकिन योगी का हंटर कुरैशी ब्रदर्स के गाजियाबाद के डासना में चल रहे ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स पर नहीं चल पाया, जबकि ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स कई नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। इन दस्तावेजों के जरिए आपने देखा नतीजा, वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आर जोन होने के बावजूद कुरैशी ब्रदर्स डासना में अवैध स्लॉटर हाउस लगातार चलाते रहे। लाइसेंस लेने से पहले मीट कारोबारी को कड़े इम्तिहान से गुजरना होता है, कई नियम और कानून होते हैं। लेकिन ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स को देखने पर लगता है कि इसका लाइसेंस बिना किसी इंक्वायरी के ही दे दिया गया। हमने जब इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री और खाद्य सुरक्षा मंत्री को दी तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। को फिर क्या है कि एनजीटी बार बार एक बात के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहा है। पिछले दो वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ, मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए, उनको जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। पर्यावरण अधिनियम 1986, स्लॉटर हाउस पर्यावरण के अनुकूल होंगे, वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम, आसपास बदबूदार हवा नहीं फैलने पाए, एनजीटी एक्ट 2010, किसी भी सूरत में कोई भी कृत्य पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। जानकारों की माने तो प्रदेश में अब तक चल रहे ज्यादातर स्लॉटर हाउस सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देश पर बने नियमों को फॉलो नहीं कर रहे थे। गाइडलाइंस के मुताबिक स्लॉटर हाउस चलाने के लिए 20 नियम तय हैं। स्लॉटर हाउस कैसा हो इसके लिए भी तमाम नियम हैं। वहां पशुओं को लाने ले जाने से लेकर कटान तक के नियम हैं। लेकिन 20 नियमों में से 3 नियमों को आपने अभी देखा जो पर्यावरण की दृष्टि से बनाए गए हैं। ये 3 नियम वो हैं जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो पर्यावरण से लेकर वहां रह रहे लोगों के जनजीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लाइसेंस देने से पहले इन नियमों की जांच की जाती है, इसकी पड़ताल होती है कि अगर लाइसेंस दिया जाएगा तो इन नियमों का पालन करने में उक्त संस्था या फर्म सक्षम है या फिर नहीं। लेकिन लगता है कि गाजियाबाद के कल्लूगढ़ी रोड डासना में कुरैशी ब्रदर्स की मेसर्स ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस देने से पहले इन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि अगर मेसर्स ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर्यावरण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम और एनजीटी एक्ट का ख्याल रखता तो आज वहां की जनता को सांस लेने में परेशानी नहीं होती। लिहाजा हमने कुरैशी ब्रदर्स की इस मनमानी को उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री
दारा सिंह के सामने रखा और उन्हें लोगों का दर्द सुनाया। मंत्री महोदय ने क्या कहा ये सुनना जरूरी है, सुनिए। प्रदेश में प्रदूषण से मुक्ति के लिए पूरी सरकार हमारी कटिबद्ध है, पूरी सरकार और खुद मुख्यमंत्री इसको लेके काफ़ी चिंतित और सचेत है। अगर इस तरीके का कोई भी आदमी, कोई भी फैक्ट्री मालिक या बुचड़खाना अगर इस तरीके से हमारे पर्यावरण के किसी भी एक्ट का कोई वायलेशन करता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से हम लोग कोई वो करने वाले नहीं है, राहत देने वाले। चूंकि मामला खान पान से जुड़ा है इसलिए हमने खाद्य सुरक्षा मंत्री स्वाति सिंह से भी बातचीत की। स्वाति जी का हाल भी दारा सिंह जी से अलग नहीं था। बहरहाल लोगों की समस्या पर, इस अवैध बूचड़खाने पर उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। ऐसे ही हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी इलीगल स्लॉटर हाउसेस थे वो तुरंत बंद करवाए थे। अगर कोई ऐसी जानकारी है आपको कि अभी भी कोई इलीगल स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं तो आप उसकी शिकायत करिए, वो जरूर बंद होंगे। जब एनजीटी वगैरह का अगर उल्लंघन कर रहा है तो इस तरह की फैक्ट्रीज को कभी भी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दोनों ही मंत्री भरोसा दे रहे हैं। भरोसा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर टूट जाए तो दोबारे कायम होने में बड़ा वक्त लग जाता है। हमें अब इंतजार इस बात का है कि दोनों ही जिम्मेदार मंत्रियों ने भरोसे की जो बात हमसे कही है कि हम कार्रवाई जरूर करेंगे, हमें देखना यह है कि अवैध सरकारी जमीन पर चल रहे इस मीट की अवैध फैक्ट्री पर सरकार कार्रवाई करती है या नहीं करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। अवैध फैक्ट्री चली तो हवाओं में प्रदूषण फैला, पानी में जहर घुल गया, लोगों की जिंदगी नरक बन गई। मामला प्रकाश में आया तो अधिकारी से लेकर मंत्री तक कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन आप उन पीड़ितों की सुनिए जो इस नरक में जीने को मजबूर हैं। पानी से लेकर हवा तक प्रदूषित है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। ऐसे में स्थानीय लोगों की आवाज सुननी जरूरी है जो कुरैशी ब्रदर्स के शिकार हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार। अवैध फैक्ट्री चलाने वाले, अवैध धंधा करने वालों ने वहां आसपास रह रहे लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है, उनकी खुशियों का अतिक्रमण कर लिया है, उनकी हसरतों का दमन करके रखा है। लोगों की शिकायतों की पूरी फहरिस्त है, क्या क्या सुनिएगा और हम क्या क्या सुनाएंगे। ये दर्द आलम है गाजियाबाद के डासना में रहने वाले लोगों का, जो मैसर्स कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के सताए हुए हैं। अवैध कंपनी के कारनामे सुनकर आपके होश फाख्ता हो चुके होंगे। अब लोगों की बातें सुन लीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि अवैध धंधा करने वालों ने स्थानीय लोगों की जिंदगी को कैसे नरक बनाया है। ये ध्वनि प्रदूषण होता है। सबसे ज्यादा जो है बच्चों के, क्या मेरे घर के अंदर भी बच्चे को कम से कम 5 महीने हो गए, उसकी अभी तक खुजली नहीं जा रही। और जो है उसके साथ जो है पानी के साथ हमारे नल के अंदर कीटाणु आते हैं। मैंने कई बार पानी को बलवा के देखा, उसमें जो है कीटाणुओं के मरे हुए के भगोने में वो जम जाते हैं और जो है उससे ही जो है बीमारी बढ़ती जा रही है। पानी क्या हो रही है, रात को पानी रख दो पानी में जल लग जाता, बर्तन में किसी भी बर्तन में भी रखा जाए, इस मीट की वजह से, मीट फैक्ट्री जो है
बच्चों के खुजली इतनी है, बच्चे बहुत परेशान हैं, लगा लो तुम, बड़ों को भी छोटों को भी सबको परेशानी है, पानी की प्रॉब्लम है, बदबू, कोई कहने को कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, जितने मंत्री नेता हैं सभी माल खाते हैं, मीट हराम का खा जाते हैं पैसे को, और कोई कहने को सुनने नहीं है, वहीं बात को दाब देते हैं। नलों का तो पानी कतई एकदम ख़राब हो चुका है, यहाँ पे पीने लायक पानी नहीं है, और इतनी परेशानी है, घर घर में जाकर किसी से भी आप जानकारी ले सकते हैं, हर घर के अंदर एलर्जी, और इस टाइम इतनी परेशानी है कि पीने लायक तो बहुत दूर है, नहाने के लिए भी पानी सही नहीं आता रहा। ये जो ये गोश्त फैक्ट्री है हमारे यहाँ पे, मीट फैक्ट्री है, खराब पीने के पानी ने जहां लोगों को तबाह कर दिया है, वहीं इसका असर उनकी जेब पर भी पड़ रहा है। खराब पानी पीने के साथ साथ पूरे इलाके में बदबू पैर पसार रही है, जिससे लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। बच्चे इतने परेशान है कि इतना बहुत परेशान है, और बदबू निकल आती है, सब उधर से निकल कर आते हैं, या तो उनके लंबे हाथ होने की वजह से, हाँ ऊपर तक पहुँचे उन लोगों की, इसे बंद नहीं होने दे रहे, इससे यही माना जा रहा है कि ये लोग बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरा गांव मर जाए इससे, दासना देहात के पूरे क्षेत्र पानी से प्रभावित हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, यानी खुजली हो रही है बच्चों में, डोर भैंस बीमार हैं लोग, आज दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है लोगों के पास, इसका यही कारण है कि इसका पाइप जो पानी का गंदगी नीचे ज़मीन में जा रही है, सारे इलाके में पानी गंदगी का फैला हुआ। भाई साहब जब पुरवावा चलते सारी बदबू यही आती है, और बच्चे बीमार होते हैं, पानी में बदलाव आ गया, आज पीला भी होगा, कहीं तो छीचड़े भी निकले हैं पानी में, इतना परेशान है गाँव के लोग इनसे, जब निकलते हैं तो आते जाते में बदबू आती है बहुत ज़्यादा। लोगों के आरोप आपने सुने, अब जरा डॉक्टर साहब की बात भी सुन लीजिए, देखिए कैसे लोगों की जिंदगी में मेसर्स कॉन्टिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने जहर घोल दिया है। लोग परेशान हैं, उनके पास जो मरीज आते हैं वो एलर्जी के शिकार होते हैं। हर तीसरा पेशेंट जो है एलर्जी का है इस टाइम में, ये सब ये प्रदूषण का कारण है, सब वही है, उसकी वजह से भी काफी वो है, दिक्कत आ रही है, दूषित, हाँ जी, हाँ पाइप पानी भी गंदा है बहुत ज़्यादा है, अब ये एलर्जी की परेशानी लेकर आते हैं, गंदगी की परेशानी लेकर आते हैं, अब इसका समाधान हो कुछ ना। सवाल तो ये भी है कि इतनी धांधली हो रही है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिस्टम और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। पर्यावरण अधिनियम 1986 का उल्लंघन, वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम का उल्लंघन, और एनजीटी एक्ट 2010 का उल्लंघन, न नक्शा स्वीकृत है, न एनजीटी की स्वीकृति मिली है, ऐसे ऐसे कई सबूत हैं जो सालों से कुंभकर्णी नींद सो रहे यूपी के शासन प्रशासन को जगाने के लिए काफी हैं। हमने ये सारी बातें योगी सरकार के पर्यावरण मंत्री, खाद्य सुरक्षा मंत्री के सामने रखी हैं, उन्होंने प्राइम न्यूज को कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। प्रदेश की जनता आज इंतजार कर रही है कि आखिर ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार और गैर कानूनी काम करने वाले कुरैशी ब्रदर्स पर सीएम योगी का हंटर कब चलेगा, आखिर कब 14,000 मीटर सरकारी जमीन को कुरैशी ब्रदर्स के कब्जे से छुड़वाया जाएगा, आखिर कब तक कुरैशी ब्रदर्स का अवैध कत्लखाना गाजियाबाद के डासना में चलता रहेगा। साथ ही हम आपको ये बता दें कि ये कुरैशी ब्रदर्स पर नए नए खुलासे हम तब तक करते रहेंगे जब तक सीएम योगी का हंटर चल नहीं जाता। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।